आज बनाएंगे हम ये टेस्टी सी लाजवाब और बहुत ही रिच रेसिपी चिकन अफगानी, और इसे बनाएंगे हम ग्रेवी के साथ। बहुत ही कम मसाले पड़ते हैं इसमें, लेकिन टेस्ट इसका काफी लाजवाब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम ले लेते हैं 1.25 किलो 750 ग्राम चिकन के पीसेस, और इसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से स्लिट्स हमने डाल दी है, काफी गहरी स्लिट्स नहीं लगानी है, हल्की सी स्लिट्स आप इस पर लगा लीजिए। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, और डाल देते हैं 1 नींबू का रस। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं। अब हम ले लेते हैं एक ग्राइंडिंग जार, इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज। इस तरह से हमने काट लिया है प्याज को। इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, 5 से 6 हमने हरी मिर्च ले ली है। अब डाल देते हैं लहसुन, लहसुन की कलियां ले ली हैं 9 से 10। अदरक ले ली है अराउंड 2 इंच की, और इसमें हम 1/2 कप धनिया के पत्ते डाल देते हैं। इन सब चीजों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। अब एक बोल में डाल लेते हैं दही, जो हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। 1 कप दही ले रहे हैं हम। इसमें डाल देंगे 1 कप क्रीम, आप घर का क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू का पेस्ट ले लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच। आप काजू को हरे मसाले के साथ भी पीस सकते हैं, 8 से 10 काजू ले लीजिए आप। ये हरा मसाला इसमें डाल देते हैं। अब कसूरी मेथी ले लेते हैं 1 टेबलस्पून, जो हमने भून ली थी, और इसे क्रश करके अच्छी तरह से इसमें डाल लेंगे। अब डाल लेते हैं 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच डाल लेते हैं जीरा पाउडर। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अब चिकन का पीस जिसमें हमने नींबू और नमक लगाकर रखा था, वो इसमें डाल देंगे। अब चिकन को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने इसे मिक्स कर लिया। अब एक पैन ले लेते हैं, पैन में हम डाल देते हैं 1/2 कप तेल। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे रखना है। तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें 1-1 करके चिकन का पीस डाल देंगे। सारे चिकन के पीसेस हम इसमें डाल लेते हैं। एक साइड से इसे अच्छी तरह से फ्राई हो जाने देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए, और अब इसे पलट लेते हैं। देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है एक तरफ, सारे चिकन पीसेस हम पलट लेते हैं, और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से हम फ्राई हो जाने देते हैं। ये दोनों तरफ से फ्राई हो गया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक पैन ले लेते हैं, इसमें ये तेल डाल देंगे। जो चिकन का मसाला चिपका हुआ है इसमें, ये सारा निकाल कर इस तेल में डाल देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 3 हरी इलायची, लौंग डाल देते हैं 5 से 6। थोड़ा सा लौंग और इलायची को भून जाने देते हैं, उसके बाद ये बचा हुआ मसाला हम इसमें डाल देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पर हम पका लेते हैं। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें ये चिकन पीसेस हम डाल देते हैं। सारे चिकन पीसेस हमने इसमें डाल लिए। अब इसे 6 से 7 मिनट या मैक्सिमम आप 10 मिनट तक इसे इस ग्रेवी में पका लीजिए। आपको अगर इस स्टेज पर ग्रेवी को थोड़ा पतला करना है तो आप इसमें दूध मिक्स कर सकते हैं।
तो ये चिकन अफगानी ग्रेवी रेडी हो गई है। इसे धनिया के पत्ते से सजा लेते हैं। इसे अब डिश में हम निकाल लेते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिए ये बढ़िया सी रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।